बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए सूजी की टुकड़ी कह रही हैं, सूजी की कतली कह रही हैं, सूजी की बर्फ़ी कह रहे हैं, विदाउट मिल्क होगी और इतनी मज़ेदार ये बनती है कि आप एक दफ़ा ये रेसिपी मेरी ट्राई करेंगे तो लाजमी इंशाल्लाह आप हर दफ़ा आपका दिल करेगा ये खाने को। तो जी मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बने। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी सबसे पहले हमने वो बर्तन लेना है, ट्रे लेना है कुछ इस तरह से, जिसके अंदर हमने वो टुकड़ी बना के रखनी है। इसको सबसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लें क्योंकि बाद में हमारे पास टाइम नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन एक कप लिया है सूजी का, फुल भरा हुआ कप नहीं है, फुल कप से थोड़ा सा कम है। इसको हमने बुनाई कर लेनी है, थोड़ा सा कलर चेंज होगा और जब खुशबू आने लग जाएगी तो हमने इसको उतार लेना है। सूजी बूंदते हुए कंटिन्यूसली आपने इसको स्टिर करते रहना, हिलाते रहना। आपने सूजी को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना, बगैर हिलाए नहीं छोड़ना, अदरवाइज़ ये जल जाएगी और कहीं से कच्ची रह जाएगी। अब सूजी हमारी भुन चुकी है, लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सा। तो इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब दूसरा बाउल लेंगे, इसमें हमने लिया है हाफ कप पानी का और दो इलायचियाँ इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसमें हाफ कप के करीब मैंने ऐड किए हैं शुगर, आप शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं कम या ज़्यादा। इसका हमने एक तार वाला शीरा बना लेना है और यहाँ पर थोड़ी सी जब इलायचियाँ पक जाएंगी तो हमने इलायचियों को निकाल देना है क्योंकि ये बाद में जब मुंह में आती है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। आपने बार बार शीरे को चेक करते रहना कि एक तार बनने लग गई है। याद रहे कि एक तार ही हमने बनानी है, शुगर को ज़्यादा हार्ड नहीं करना, अदरवाइज़ हमारी जो कतली है वो हार्ड हो जाएगी और सही जुड़ेगी नहीं। तो यहाँ पर एक तार वाला शीरा रेडी हो चुका है। तो अब हम दोबारा से सूजी वाली फ्लेम ऑन करेंगे। तो इसको थोड़ा सा बस गर्म कर लेने के बाद फ़ौरन से हमने शीरा ऐड करते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है अच्छी तरह से। जब शीरा अच्छी तरह से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, इसको हमने बिल्कुल ज़्यादा नहीं हार्ड करना ना बिल्कुल पकाना है। थोड़ा सा मैंने जस्ट पानी ऐड किया है क्योंकि इसमें शीरा बनाया था, उसके अंदर शीरा लगा हुआ था, तो मैंने कहा इसको वेस्ट होने से बचाया जाए। तो इसको अब अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स करते जाएँगे और हमने इस सूजी वाले मेज़े को ना ही ज़्यादा हार्ड करना है और ना ही बिल्कुल हमने इसको सुखा लेना है। ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो हमारे जो पीसीज हैं वो अच्छी तरह से नहीं होंगे। अब यहाँ पर मैंने पका लिया, ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा इसको सॉफ्ट ही रखा है, तो ये बाद में जब इसके अंदर हमने ऐड कर देना है तो ये बाद में हार्ड हो जाएंगे। इसको फटाफट से आपने इस तरह किसी भी चीज़ की मदद से प्रेस करते जाना है ताकि इसकी जो टुकड़ियाँ हैं वो एक जैसी कट हो सकें। तो इसको फटाफट से हमने इस तरह कर दिया है और इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो आपका दिल चाहे। एक बात याद रहे आपको कि जो हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं वो गरम गरम अमेज़े के ऊपर ही ऐड करने हैं और फटाफट से हमने इसको टैप कर देना है। अगर ये मटेरियल ठंडा हो गया तो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसके साथ चिपकेंगे नहीं। अब ये मटेरियल गर्म है तो मैं इनका फटाफट से इसके पीसीस कर लूँ क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके पीसीस करने में मुश्किल पेश आएगी क्योंकि वो हार्ड हो जाएगा। देखिए फटाफट से इतनी मज़ेदार सी सूजी की कतली या सूजी की टिक्की कह लें या सूजी की बर्फ़ी कह लें रेडी हो चुकी है। इतनी सिंपल सी यह रेसिपी है, अब कुछ आपका मीठा खाने को दिल करे तो ये सिंपल सी रेसिपी फटाफट से ट्राई कर लीजिएगा क्योंकि खाने में भी मज़ेदार और इतनी यूनिक सी यह रेसिपी है और बनाने में भी इतनी आसान है और इतनी सिंपल सी है। तो जो व्यूवर्स मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं उनका लिए उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अच्छे से कमेंट्स भी करिएगा और मेरे पुराने व्यूवर्स भी मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और मुझे अच्छे से कमेंट्स भी करेगा और मुझे लाजमी बताएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।